बैसाखी पर्व को लेकर शनिवार को स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गुरुद्वारा को आकर्षक रूप से सजाया गया था। मौके पर गुरु ग्रंथ साहिब को बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया था। इस दौरान देहरादून के भाई हरप्रीत सिंह और उनकी टीम के द्वारा कई शब्द कीर्तन प्रस्तुत किए गए, जिसे सुनकर सात संगत निहाल हो गई। खालसा पंथ के 325वें स्थापना दिवस को लेकर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में 11 अप्रैल से अखंड पाठ का आयोजन किया गया था, जिसका समापन भी हुआ। इस संबंध में जानकारी देते हुए गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने बताया कि आज के ही दिन 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना दशमेश गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने की थी। आज के दिन उन्होंने लोगों के बीच अमृत का संचार किया था। कहा कि इस दिन को हम लोग बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। वैसाखी को हम लोग खालसा सिरजना दिवस के रूप में मनाते हैं। कहा कि पंजाब में इसे काफ़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन ही हमारा नया वर्ष शुरू होता है। उन्होंने कहा कि सिखों का जो स्वरूप है वो आज से दिन ही हम लोगों को मिला था। इस दौरान गुरुद्वारे में भव्य लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सिख समाज के अलावे अन्य समुदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान गुरुद्वारे में पहुंचे गिरिडीह के विधायक सुदेवी कुमार सोनू को गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान के द्वारा शिरोपा देकर सम्मानित किया गया। लंगर की सेवा हर साल की तरह इस साल भी समाज सेवी रतन गुप्ता जी के द्वारा की गई थी। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान डॉक्टर मोंगिया के द्वारा श्री गुप्ता को भी सिरोपा देकर सम्मानित किया गया। मौके पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा उर्फ समी, चरणजीत सिंह सलूजा, अमरजीत सिंह सलूजा, कुंवरजीत सिंह सलूजा, मनजीत सिंह, गुरविंदर सिंह सलूजा, गुरदीप सिंह बग्गा, परमजीत सिंह कालू, ऋषि सिंह, राजेंद्र सिंह बग्गा, राजू चावला, हरमिंदर सिंह बग्गा, गोलजी सिंह समेत काफी संख्या में समाज के महिला पुरुष व बच्चे मौजूद थे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज बड़ी ही खुशी, बड़े ही उत्साह, बहुत ही श्रद्धा के साथ हम लोग वैसाखी पर्व मना रहे हैं। ये पर्व हम लोग इस उत्साह से मनाते हैं कि इसी दिन सिख धर्म में एक जो स्वरूप हम लोग को दिया गया है, इस स्वरूप की सृजना हुई थी और हमें इस रूप में सजाया गया था कि हम लोग सिपाही हैं, जिसमें कि ये पगड़ी, ये सब ड्रेस जितनी हमारी आप देखते हैं, या पांच ककार, ये हमें दिए गए थे। इसे हम लोग एक वीरता की निशानी को मानते हैं कि हम लोग सिपाही के रूप में एक सजे हुए स्वरूप में नज़र आते हैं और इस धर्म के किसी को और विस्तार देने के लिए, एक एक आदमी पहचान में आए, एक पहचान देने के लिए, इस धर्म को और आगे बढ़ाने के लिए इस दिन ये कार्यक्रम हुआ था। ये आनंदपुर साहब में 13 अप्रैल 1699, यानी कि आज सिर्फ 325 साल पहले ये स्वरूप दिया गया, और इस स्वरूप में आप सारी दुनिया में लोगों को देख सकते हैं। हम लोग भी बड़े उत्साह से इस पर्व को मना रहे हैं, जिसमें कि सिख इतिहास, गुरबानी कीर्तन और सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। परसों अखंड पाठ की प्रारंभता हुई थी, जिसकी आज समापन हुई है और सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, और अभी गुरु के लंगर के साथ इसकी समाप्ति होगी। इसमें सभी लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अभी विधायक जी भी पहुँचे हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज सभी लोग, सारे समुदाय के लोग इसमें शामिल हैं और बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही श्रद्धा के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ पर मना रहे हैं। आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ, आएँ और लंगर का आनंद उठाएँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। 24 घंटे अपनी सेवा देने वाला गिरिडीह का प्रसिद्ध एवं अनुभवी डॉक्टर पार्वती फाउंडेशन, जो आपको देता है बहुत ही कम खर्च पर बेहतर इलाज। जी हाँ, हमारे यहाँ ओपीडी मात्र 100 रुपए में, नॉर्मल डिलीवरी 5,000 रुपए में, सिजेरियन 20,000 रुपए में, बच्चे दानी का ऑपरेशन 20,000 रुपए में, अपेंडिक्स का ऑपरेशन 15,000 में, हाइड्रोसेल ऑपरेशन 5,000 में। इसके अलावा किसी भी प्रकार के ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर, हार्निया, पथरी, पाइल्स, ट्यूमर, डिलीवरी, सिजेरियन, सुरक्षा बाध्यकरण इत्यादि का सफल आधुनिक तकनीक द्वारा बहुत ही कम खर्च पर इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आईसीयू, एनआईसीयू, वेंटिलेटर, इमरजेंसी वार्ड, केबिन, जनरल वार्ड, एक्सरे, फार्मेसी, लैब, 24 घंटे ऑक्सीजन तथा आरओ की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑपरेशन से पहले रोगियों को दवा से ठीक करने का प्रयास किया जाता है। हमारे यहाँ ज्यादातर नॉर्मल डिलीवरी का ही प्रयास किया जाता है। हमारा मिशन कम खर्च एवं बेहतर उपचार है। तो अब आपको बेहतर उपचार के लिए कहीं भी बड़े शहर जाने की आवश्यकता नहीं। तो अच्छे स्वास्थ्य का पता पार्वती फाउंडेशन, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बोड़ो पचम्बा रोड, गिरिडीह।